बड़वानी में सहायता योजना की राशि अभी तक प्राप्त न होने बाबत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़वानी आक्रोशित है। समय समय पर विद्यार्थियों के हितों की ओर विद्यार्थी परिषद शासन और प्रशासन के समक्ष मांग उठाता रहता है। शासन द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों को उनके शिक्षा संबंधित खर्च के वहन हेतु छात्रवृत्ति एवं घर से दूर बाहर रहकर पढ़ने वाले छात्रों को आवास सहायता राशि दी जाती है, ताकि उन्हें पढ़ाई करने के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। बड़वानी एक पिछड़ा एवं जनजाति बाहुल जिला है। यहाँ के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अधिकांश छात्र ऐसे हैं जिनके अभिभावक बड़ी मुश्किल से उनके रहने खाने एवं पढ़ने के लिए राशि जुटा पाते हैं। शासन द्वारा इन छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना राशि की सुविधा से उन्हें राहत मिलती है तथा विद्यार्थियों को अध्ययन में कोई समस्या नहीं आती है, परंतु विगत वर्षों से विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना की राशि समय पर नहीं मिल पा रही है। शासन एवं जिले के छात्रवृत्ति संबंधी विभागों के अधिकारियों के सूरत रवैये के कारण गत वर्ष की छात्रवृत्ति आज दिनांक तक विद्यालय के विद्यार्थियों को नहीं मिली है एवं न ही महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मिली है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। यहाँ धरने पर क्यों बैठे आप लोग? हमारे जिला ट्राइबल जिला है, यहाँ पर जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। जब पिछले 6 महीने से मतलब सरकार चेंज हुई है, उससे बच्चों को स्कॉलर हाउस बदला नहीं मिल पा रहा है, जिससे बच्चे परेशान हो रहे हैं, घर छोड़ जा मतलब बहुत पढ़ाई छोड़ के जाने को घर जाने के लिए मजबूर हो गए। वो कितने छात्र हैं सर? 50% से ज़्यादा छात्र जिनको स्कॉलर नहीं मिल रहा है, आवाज भत्ता भी नहीं मिल रहा है। कितनी राशि होगी लगभग? 2 करोड़ से लगभग है, 2 करोड़ से घोषणा ही करो। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द राशि उपलब्ध कराई जाए, आवाज भत्ता और छात्रवृत्ति जो विद्यालय विश्व का आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। पिछले भी 2 बार अवगत करा चुके हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहा, अधिकारी भी इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सरकार चाहिए अधिकारी अब ध्यान नहीं दे रहा हमारे ऊपर। कितना सालों की है? पिछले सत्र में भी नहीं मिली, सत्र में भी नहीं मिली अभी तक। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी जो मतलब उनकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होकर घर छोड़ मतलब विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ के घर जा चुके हो, अभी तक उनका नहीं मिल पाया है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे होते जो पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गए, वो शासन इसमें भी कोई तक रिस्पॉन्स नहीं मिला, शासन का पॉजिटिव उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, यदि 8 दिन में रिस्पॉन्स नहीं मिलता पॉजिटिव तो उग्र आंदोलन करेगा विद्यार्थी परिषद, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जो है घोषणा करेंगे और क्या दिक्कत आ रही है उसके बारे में जानेंगे, तकनीकी समस्या है या फिर लापरवाही है जो भी है उसके।